आज बनाएंगे फ्रेंच फ्राई। ये हमारे पास आलू, और आलू को छिल के रख दिया हमने, और इनको बढ़िया से फिंगर कट में काटेंगे, जैसे आप देख रहे होंगे इसी तरीके से काटें। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा ये मजा करना है, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फिंगर कट कैसे करते हैं। बाकी आप ऐसे काटते रहे, बाकी चलो इसके बाद काटूँगे मैं सारे, हाँ फिंगर कट मशीन पे काटूँगा। तो आप देखिए ऐसा कटा हुआ है, बिल्कुल बढ़िया है, परफेक्ट है। और मैं काट रहा हूँ मशीन पे काट रहा हूँ, तो आप चाहे तो मशीन पे भी काट सकते हैं, मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मशीन पे बहुत ही बढ़िया आलू कटते हैं, और सबसे पहली बार पेंट आलू नहीं जाता है। तो आप देख रहे इस तरीके से बढ़िया फिंगर कट आ रहे हैं। ये लगभग पूरे कट गए, कटने के बाद आप देख होंगे कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलो दोस्तों इसके बाद ये कॉर्नफ्लावर, और इसमें डालेंगे आलू, और आलू में डालेंगे हम धीरे धीरे से कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे डाला जा रहा है। और हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इसमें ज़्यादा कॉर्नफ्लावर पहले ही ना डालें, नहीं तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो फिर आलू भी नहीं लग पाएगा। आप देख सकते हैं, और ये हमारी तेल की कढ़ाई भी प्रॉपर हीट में तैयार है, और हमारे आलू भी तैयार हो ही रहे हैं। और ये आलू हमारे इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर हो जाएगा, और हल्का हल्का बीच में पानी डालते रहें ताकि प्रॉपर कॉर्नफ्लावर उस पर लगे रहें और उसका बढ़िया बैटर बना रहे। तो हमारा पटेटो देख सकते हैं आप रेडी हो गया है। इसके बाद हम ऑयल को चेक करेंगे, ऑयल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसमें डालेंगे पोटैटो को, ये देख सकते हैं ऑयल ज़्यादा हीट में भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से हम दूसरे कढ़ाई में भी डालेंगे, और यहाँ पे बढ़िया सा फ्राई होते हुए। और पोटैटो को ज़्यादा नहीं हमें हाफ डन करके रखना होता है, तो ज़्यादा नहीं हम 2 या 3 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। ये हमारे आलू क्रिस्पी हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं। और ध्यान रखें ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं लगाना है, उससे ज़्यादा ही हार्ड हो जाएगा वो, फिर खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो हमारे फिंगर चिप्स तैयार हैं, और ये रेडी हो गया, हम इनको निकाल देंगे। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्रेंच फ्राई तैयार हो गई है, और इसको हम पूरा निकाल देंगे। और ये है हमारा फ्रेंच फ्राई तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इसको फुल डन करने के लिए थोड़ा हमें और फ्राई करना पड़ेगा, अभी ये हाफ डन है, इसके बाद इसे हम दोबारा फ्राई करेंगे। और ये बढ़िया फ्राई हो रहा है, और इसको बीच बीच में हिलाते रहिए, चिपक ना जाए, आप देख सकते हैं। और ये हमारे फ्रेंच फ्राई बिल्कुल कलर में आ गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। अब इसको निकाल लेंगे हम, ये देख सकते हैं। इसमें हम काजू स्पाइस डालेंगे, या आप चाट मसाला, सॉल्ट, नमक वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, और इसे आप किसी भी चटनी के साथ या स्वीट चिल्ली के साथ। अभी मैं यहाँ पे हाल फिल टमाटो केचप दे रहा हूँ, और आप देख सकते हैं भाई लोगों कितना बढ़िया फ्रेंच फ्राई तैयार हुआ है। चलो दोस्तों ऐसी रेसिपी के लिए लाइक